दोस्तों, क्या आप भी इंस्टाग्राम का दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं? क्या आप भी इंस्टाग्राम की दो आईडी चलाना चाहते हैं या दो से अधिक आईडी चलाना चाहते हैं? तो आपको ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम की दूसरी आईडी कैसे बनाते हैं? दोस्तों, आप एक ही फ़ोन में दो आईडी या तीन आईडी अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम की। दोस्तों, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम की आईडी कैसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल अजय स्मार्ट। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों, इंस्टाग्राम की दूसरी आईडी बनाने के लिए सिंपली आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे गाइस। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको कोने में साइड में नीचे आपको एक प्रोफाइल का लोगो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे गाइस। इसके बाद आपको ऊपर आईडी दिख जाएगी, आपको यहाँ पे एक बार तीर के निशान पर टाइप करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपका जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट होंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद आपको ऐड वाले अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट दिखेगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है दूसरी आईडी बनाने के लिए। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे एक क्रिएट न्यू अकाउंट दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे दूसरे नंबर वाले पे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे चूज यूजर नेम, इसमें अपना यूजर नेम चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं कोई भी यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अपना यूजर नेम सर्च कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, क्रिएट ए पासवर्ड, इसमें अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड इंटर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए पासवर्ड इंटर करते हैं। देखिए दोस्तों, पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको ऐड न्यू फोन और ईमेल दिखेगा दोस्तों। अगर आपको फ़ोन या ईमेल आईडी एंटर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी एंटर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको गेट फेसबुक सजेशन, इसको आपका इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको अगर फेसबुक से कनेक्ट करना है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नहीं तो स्किप पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद आपको स्किप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपका अकाउंट ये आ जाएगा, अकाउंट टाइप, आप अकाउंट को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, प्राइवेट या पब्लिक। तो दोस्तों, मैं पब्लिक करना चाहता हूँ, तो पब्लिक पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाला दिखेगा, इसके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको ऐड ए फ़ोटो, इसमें अपना फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ए फ़ोटो पे क्लिक कर लेंगे, नहीं तो स्किप पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। चलिए मैं फ़ोटो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक दिख जाएगा, आपको नीचे चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी दिखेगा दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गैलरी से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं कोई भी ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको एरो वाले पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे डिस्कवर पीपल आ जाएगा, तो इसको यहाँ से एरर वाले पे क्लिक करके यहाँ से एरो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, देखिए आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम में दूसरा अकाउंट बन जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत ईजी तरीके से, अब यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे यहाँ पे आपका यूजर नेम शो हो जाएगा इंस्टाग्राम का, और यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और आईडी खोलनी है दूसरी, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे या प्रोफाइल वाले पे दबा के रखेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ से अपना आईडी भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम की न्यू आईडी बनाई जाती है या दूसरा अकाउंट बनाया जाता है दोस्तों, और ऐसे ही आप अनलिमिटेड अकाउंट अपने इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।